हेलो एवरीवन, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आई है राजफेट रिक्रूटमेंट 2023। उम्र यहाँ पर 21 से 40 वर्ष रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज दिया गया है। ग्रेजुएट पास स्टूडेंट प्लस कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा या RSCIT यदि आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल स्टेट यहाँ पर अलाउ रहेंगे। तो चलिए, बाकी चीज़ें जो है वो डिटेल में नोटिफिकेशन में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर राजफेट की जो फुल फॉर्म है, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जयपुर, यहां से जो है वो वैकेंसी आई है। तो अलग अलग पोस्ट जो है वो रहने वाली है और जो है कैटेगरी वाइज जो है इनको जो है बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है नेम ऑफ पोस्ट, पे मैट्रिक लेवल, रनिंग पे बैंड और पेमेंट इन प्रोबेशन पीरियड, ये हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से वैकेंसी है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन लिमिटेड, यहां से वैकेंसी है राजफेड से। पोस्ट का जो नाम है, अकाउंट ऑफिसर है, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर, प्रोग्रामर, असिस्टेंट मैनेजर जनरल, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर, एनिमल न्यूट्रिशन फिटर, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, सूचना सहायक। तो आप देख सकते हैं लेवल 5 से लेकर लेवल 14 पे मैट्रिक लेवल जो है यहाँ पर दिया गया है। रनिंग पे बैंड जो है यहाँ पर है और उसके बाद प्रोबेशन पीरियड में क्या सैलरी मिलेगी, तो अकाउंट ऑफिसर को जो है यहाँ 39,300, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर को भी 39,300, 31,100 जो है वो प्रोग्रामर को प्रोबेशन पीरियड में, 26,500 असिस्टेंट मैनेजर को, उसके बाद 26,500 असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल को, जूनियर अकाउंटेंट को 23,700, नेक्स्ट 14,600 जूनियर असिस्टेंट को, 14,600 ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशंस को, 14,600 फिटर को, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट को 14,600। तो ये प्रोबेशन पीरियड में रहेगी सैलरी। उसके बाद जो है वो आप लोगों की सैलरी जो है वो काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिक्स्ड सैलरी जो है वो आप लोगों को मिलने वाली है। तो यहाँ पर अधिकतम जो सैलरी है वो 39,100 आपकी दिखाई गई है। तो चलिए क्वालिफिकेशन देख लेंगे। यहाँ पर जो है अकाउंट ऑफिसर, लेखाधिकारी के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है कॉमर्स में, फर्स्ट डिवीजन या इंटरमीडिएट CA या ICWA आपने किया है। आपने अगर स्नातक कॉमर्स से किया है फर्स्ट डिवीजन में तो आप अप्लाई कर पाएंगे। पशु पोषण अधिकारी एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर के लिए यहाँ पर MBA साइंस एनिमल न्यूट्रिशन में मांगा गया किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। ठीक है, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर आपके पास अगर ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि आर्ट्स कॉमर्स या साइंस, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ में आपके पास जो है वो डिप्लोमा है कंप्यूटर का RSCIT का, ठीक है, जो कि राजस्थान में ही चलता है, तो आप लोग जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑपरेटर के लिए जो है यहाँ पर एनिमल न्यूट्रिशन के ITI डिप्लोमा इन फिटर ट्रेड, फिटर के लिए जो है यहाँ पर ITI मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन MBA के साथ में, असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो है यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर में, जूनियर अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स में, प्रोग्रामर के लिए जो है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में जो है वो हायर जो है आप लोगों की डिग्री होनी चाहिए, BE, BTEC या MSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या MCA अगर आपने किया है। इसके बाद जो है और भी ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर। सूचना सहायक के लिए जो है कोई भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है आर्ट्स कॉमर्स साइंस में और साथ में हायर डिग्री है अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, और भी जो है आपने यहाँ पर किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं। तो यहाँ लिखा है पे मैट्रिक लेवल 12 में जो भी पोस्ट हैं तो उनमें मिनिमम एज जो है वो 21 साल है और अधिकतम 40 साल है। उसके बाद जो है पे मैट्रिक लेवल 11, तो यहाँ पर एज 18 से लेकर 40 साल है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पे स्केल और क्वालिफिकेशन दिखा दी है। उम्र जो है यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दी है। एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया ही गया है जो भी राजस्थान के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप लोगों का एक एग्जाम रहेगा और उसके बाद जो है वो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम सेंटर जो है आप लोगों के यहाँ पर बताए गए हैं अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर। तो पेज नंबर 6 पर जो है वो सिलेबस जो है दिया गया है यहाँ पर और बाकी दोबारा से जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। तो आप जो है सिलेबस को अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर पार्ट ए 80 नंबर का होगा और पार्ट बी जो है वो 20 नंबर का होगा। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए, तो इसे जो है वो आप चेक कर लेंगे और इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी ताकि आराम से जो है वो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से आप देख सकें। कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर लिखा है जिस तरीके से जो है पिछला वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था
बिल्कुल सेम उसी तरीके से जो है यहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा। ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे यहाँ पर, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना होगा। अगर आपने पहले किया है तो अच्छी बात है, आप लोगों की फीस नहीं लगेगी, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप लोगों के पेमेंट यहाँ पर 600 रुपये देना होगा जनरल कैटेगरी को, और बाकी जो क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है तो उनकी 600 रुपये लगेगी। राजस्थान के जो नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एससी एसटी है, ये इनकी सबकी 400 रुपये लगेगी। समस्त दिव्यांगजन आवेदकों की 400 रुपये यहाँ पर लगने वाली है। पहले अगर आपने ओटीआर जमा कर चुके हैं तो दोबारा शुल्क आपको नहीं देना होगा। ये इसकी मेन वेबसाइट है, और मेन वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट सेक्शन में फर्स्ट नंबर पर आप लोगों को 6 अक्टूबर 2023 को एडवर्टीजमेंट जारी किया गया, एपेक्स बैंक एंड सीसीबी रिक्रूटमेंट, ठीक है, सहकारी बैंक का जो है यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ, जो कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। यदि आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं पिछला वीडियो देखकर। दूसरा जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में एडवर्टीजमेंट सेकेंड नंबर पर ही दिया है, सीरियल नंबर 2, डिटेल एडवर्टीजमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर राजफेड रिक्रूटमेंट 2023। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, दोनों ही एडवर्टीजमेंट साथ में आप लोगों को मिल जाएगी। उससे पहले जो है वो शॉर्ट नोटिस दोनों का ही जारी हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरी जानकारी मैंने दे दी है दोनों ही एडवर्टीजमेंट की, कि क्या जो है वो वेतन रखा गया है, किस पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, सैलरी वगैरह कैसे जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। दोनों में ही आप लोगों का एक ही एग्जाम होगा और उसके बाद जो है आप लोगों का डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, और ये दोनों भर्तियाँ ही जो है वो बिल्कुल जल्द से जल्द कंप्लीट होंगी। दिसंबर में जो है वो आप लोगों का एग्जाम होगा, तो बिल्कुल तैयार रहें यदि आप एलिजिबल हैं। सारी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दी है, और लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पर आ सकें राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड राजस्थान सरकार की मेन वेबसाइट पर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट पढ़ें, उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। तो इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट जो है वो आप देख लें, ये जो शॉर्ट नोटिस दिखाया था मैंने राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर, ठीक है, तो उसका और राजफेड, राजफेड इसका जो है लास्ट डेट जो है यहाँ पर शॉर्ट नोटिस में भी आप लोगों को मिल जाएगी, 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर 2023 तक, ठीक है। और मेन वेबसाइट का लिंक यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो चलिए, आपको अगर वीडियो सही लगा है और आपके काम का है, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सभी स्टूडेंट तक पहुँचे जो भी यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं। तो सभी स्टेट की, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो वैकेंसी आती है मेरे चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल मिलेगी। शिक्षा और शिक्षक से जुड़ी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो भी मैं आप लोगों को टाइम पर बताती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।